यारों जी भर के जी पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझ गल बुलाएगा। सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। तो गाइस आज 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 हम जाने वाले बोध गया, जो कि गाइस हमारे घर से लगभग बहुत दूरी पे, 5 से 6 घंटे की दूरी पे। दरअसल यहाँ पे हम लोग इसलिए जा रहे हैं, वहाँ पे एक छमाछम वाटर पार्क करके नाम से एक मस्त सा जगह है, जिसे लेकर मैं YouTube पे बहुत पहले से वीडियो वगैरह देख रहा हूँ और बहुत बार मैंने ट्राई भी किया जाने का, लेकिन गाइस घर से परमिशन ही नहीं मिलता था। अब भला दे भी कौन, जो बंदा अकेले अपने दादी घर नहीं जा सकता है उसे इतनी दूर की परमिशन कैसे दे। लेकिन फाइनली आज परमिशन मिल चुका है और इस ट्रिप में गाइस हम लोग 3 फ्रेंड जा रहे हैं। कौन कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे पैकिंग करना है। तो चलो फटाफट से मैं अपना पैकिंग कर लेता हूँ। 2 जोड़ा कपड़ा मैंने सिलेक्ट किया है, एक ट्राउज़र और गंजी पहन के जाऊँगा, क्योंकि ट्रेन में जा रहा हूँ तो कंफर्टेबल फील होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे है चश्मा और वॉच, और वो है हमारा ट्राइपॉड। बाकी इस बैग में सारा लैगेज मैं पैक करने वाला हूँ। तो चलो फटाफट से लैगेज पैक करके मैं आपसे मिलता हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज को ही गाइस मैं भूल रहा था, जो कि था फोन का चार्जर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है गाइस, इसे ही मैं भूल रहा था। इसे फटाफट से मैं डाल लेता हूँ। और हाँ, कबीर भाई को मैंने बोला है कि अगर आपके पास पावर बैंक है तो लेते आने। अब फोन को कहाँ पे बार बार चार्ज पे लगाएंगे, तो पावर बैंक रखना भी जरूरी है, उनके पास है तो वो लेते आएंगे। अब गाइस ये मेरे लाइफ का पहला ट्रैवल होने वाला है, देखते हैं क्या कुछ मैं भूलता हूँ। तो फाइनली हमारा लगेज जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं जाता हूँ, नहाता हूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस मैं नहाकर रेडी हो चुका हूँ और अम्मी लोग अभी जा रही है मेरी नानी की बहन की बेटी की शादी में, और मैं जा रहा हूँ बोध गया। तो ठीक है, तब आप लोग जाइए घूम के आइए, शादी का एंजॉय लीजिए, और हम लोग जाएंगे वाटर पार्क में घूमने। ठीक है तब, ठीक है, खुदा हाफिज। पापा नहीं जा रहे, पापा घर पे ही रहेंगे। तो चलो अम्मी लोग जा चुकी है, अब मुझे भी निकलना चाहिए, और दानिश भी आ चुका है और लगेज हमने यहाँ पे रखा है, तो अब हम लोग भी निकलते हैं। और मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ कौन कौन है। दानिश को तो आपने देख लिया, अब कौन कौन बचे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है तब जा रहे पापा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। पापा देख रहे हो बैठ के स्कूटी में, ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं बोध गया वाटर पार्क में मज़े लेने। तो चलो यहाँ से हमारे आसिफ भाई भी हमारे से जुड़ गए हैं, और एक और बंदा जुड़ने वाला है, आप लोग गेस कर सकते हो, पता है आप लोग गेस कर लिए होगे, यस कबीर भाई। तो अभी हम लोग उनके घर जा रहे हैं, आई थिंक वो अपने घर के बाहर हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, और हम लोग अभी ये जो पहाड़ है ये उतर रहे हैं। तो अब हमारे साथ कबीर भाई भी जुड़ चुके हैं, और ओहो साहिल भाई तो एकदम स्मार्ट लग रहे हैं चश्मे में, ये आप लोग का डायलॉग है, मैं बोल दिया। तो अभी गाइज हमें ऑटो करना पड़ेगा यहाँ से, और ऑटो करके हमें जाना पड़ेगा रांची रेलवे स्टेशन, और देखते हैं आधे घंटे का रास्ता है, और अभी बस चुका है 1, और हमें बस आधे घंटे के अंदर ही पहुँचना है रांची रेलवे स्टेशन, देखते हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो चलो ऑटो भी मिल चुका है, अब फटाफट से यहाँ पे बैठते हैं। ऑटो का बात ही अलग है, चारों तरफ से मस्त ठंडा ठंडा हवा और चारों तरफ से नज़ारा दिखते जाएंगे। यारों जी भर के झील पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, और यही हमारा ट्रेन है, हमें बस सीट अरेंजमेंट करना है। हमारा बोगी नंबर जो है वो D12 है, जो कि आगे है, जस्ट वहाँ जाते हैं बैठते हैं सीट अरेंजमेंट करते हैं, एंड देन 2:15 में हमारा ट्रेन जो है वो निकलेगा। यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझ गल बुलाएगा। तो फिलहाल गाइस हमारा सीट अरेंजमेंट हो चुका है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे आसिफ भाई, यहाँ पे दानिश भाई, और आगे कबीर भाई, और हमारा ट्रेन भी निकल चुका है। कैमरा को मैंने जहाँ पे खाना रख के खाया जाता है वहाँ पे मैंने सेट किया है, और मस्त मज़े से बैठ के ब्लॉग शूट कर रहे हैं। पता नहीं ऑडियो कैसा आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, और देख रहे हो सभी लोग रोल में हैं चश्मे में भाई, मतलब एक अलग फीलिंग आता है चश्मे पहनकर, मज़ा आता है। और ट्रेन का सफ़र बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ, हम लोग सब लोग कर रहे हैं, और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमारा अभी सफ़र जो है वो 5 घंटे का, मतलब 5 घंटे हम लोग इस ट्रेन में ही बिताएंगे।
तो अभी गाइज हमारा ट्रेन जो है वो मूरी के जंक्शन स्टेशन में रुका है और यहाँ का फेमस आलू चाप और समोसा है और हमें भूख भी लग रहा है, दोपहर का खाना भी हमने नहीं खाया था तो यहाँ से हमने आलू चाप और समोसा ले लिया है। चलो अंडा चाप, चलो तो अंडा चाप भी है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलो गाइज खाना शुरू कर दो, हम आलू चाप खाएंगे। आलू चाप नहीं, अंडा चाप है, यहाँ का फेमस है ये अंडा चाप गाइज। तो अभी हम लोग बोकारो के स्टेशन में रुके थे पानी भरने के लिए, हम लोग नहीं रुके थे भाई, ट्रेन रुका था इसलिए हम लोग रुके उतर के पानी भर रहे, क्योंकि ट्रेन में भी पानी है बट ट्रेन वाला पानी हम लोग नहीं पी सकते, इसलिए आसिफ भाई ने पानी भर लिया है, बोतल हम लोग को खाली हो चुका था। तो चलो अब जाके फटाफट से बैठते हैं वरना कब ट्रेन चला जाए पता भी नहीं चलता है, इतना स्लो से निकलता है। हम लोग भाई पानी भर रहे, सुनने में आया कि ट्रेन चला गया। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग गया पहुंच चुके हैं। अब गया में गाइस कबीर भाई का मामा जी रहते हैं तो ये बोल रहे हैं कि आज का रात जो वहीं रुका जाए। फिकी फिकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूनम की उजियारी जान मेरे। फिकी फिकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे। तो अभी गाइज मैं और आसिफ भाई रिक्शे में जा रहे हैं और कबीर भाई और दानिश भाई, कबीर भाई के मामा के बेटे आए थे बैग लेकर, तो उसके साथ वो लोग चले गए और आज हम लोग कबीर भाई के मामा जी के घर पे ही रुकने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है आसिफ भाई से रिक्शे में? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइज, और बहुत दिन के बाद हम लोग रिक्शे में बैठ के रिक्शे का मज़ा ले रहे हैं, ऑटो ट्रेन ये सब का मज़ा तो आज ले लिए और आज रिक्शे का भी मज़ा ले ही लिए। मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया गया। तो गया की अनजान गलियों में हम अनजान लड़के पता नहीं क्या कर रहे हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि कल का एक्साइटमेंट आज से ही जाग रहा है कि कल हमें वाटर पार्क जाना है। आसिफ भाई फ्लैश जलाओ यार, फिर से दिखाओ पब्लिक को, अब मज़ा आएगा ब्लॉग बनाने में। मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉग को दो पार्ट में करना होगा क्योंकि घर से आते आते ही बहुत ज़्यादा हमने ब्लॉग शूट कर लिया और कल का ब्लॉग शूट करेंगे तो मेरे ख्याल से 20-25 मिनट से ज़्यादा जो है टाइम ड्यूरेशन वो चला जाएगा। तो इस ब्लॉग को दो पार्ट करेंगे, हो सकता है अभी इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ जाए तो कबीर भाई के मामा जी के घर जाकर। और मैं इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ, ठीक है। आई होप गाइस आज के ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इन हो गए हम लोग छम छम वाटर पार्क के अंदर।